अरे भाग्यवान, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? मुझे बाहर जाने में देर हो रही है। तभी मालती कमरे में आती है। ये रहे आपकी जूते, मैं इन्हें साफ करने के लिए ले गई थी। अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो, मेरे बिना कुछ कहे ही सारे काम कर देती हो। तभी मालती झिझकते हुए रमेश से कहती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं, बेफिक्र होकर कहो। शादी से पहले मैं अपने मायके में नौकरी करती थी। मैं चाहती हूँ कि अब मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूँ। वैसे भी सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। देखो मालती, तुम्हारे नौकरी करने से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूँ, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी नहीं की। फिर भी एक बार तुम माँ से पूछ कर देखो, अगर वो तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त दे देती है तो अच्छी बात है। रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम मालती अपनी सास के पैर दबा रही होती है, तभी उसकी सास मालती से कहती है, अरे क्या बात है बहू, आज तो ठीक तरह से मेरे पैर नहीं दबा रही, किसी ख्याल में खोई पड़ी है क्या? मैं भी तो जानू आखिर बात क्या है। दरअसल वो माँ जी। अरे हाँ हाँ बोलो, इतना सोच क्यों रही हो? माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ, घर के काम करने के बाद मेरे पास काफी वक्त बच जाता है। मालती की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? भला हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी की है जो तू नौकरी करने की बात कर रही है, हैं? अरे बहू तू क्या रिश्तेदारी में हमारी नाक कटाना चाहती है, हैं? जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से नौकरी का भूत उतार दे और अब जा, जल्दी से रसोई में जा, खाना बनाने का वक्त हो रहा है। मालती मन मार कर खाना पकाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अगले दिन। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे आओ आओ दिवाकर बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाती हूँ। बहू जरा एक कप चाय तो लेती आना। फिर दिवाकर एक फाइल खोलकर मालती की सास के सामने रख देता है। ये देखिए माँ जी, ये है पिछले महीने का हिसाब और ये रहे मुनाफे के रुपए। एक बार हिसाब देख लीजिए और इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे दिवाकर बेटा, मैंने भला आज तक कभी तेरा हिसाब देखा है? जो अब देखूंगी। ला बता कहाँ दस्तखत करूँ? तभी मालती चाय लेकर वहाँ आ जाती है और अपनी सास को बिना कागजातों को पढ़े इस तरह लापरवाही से दस्तखत करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में बहुत काम है। फिर दिवाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मालती बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है, तभी एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता है। अरे मालती बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी कंपनी में मुनीम का काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आपको बिल्कुल पहचानती हूँ, कहिए कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, यहाँ तक कि हमें ठीक वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या बताऊँ, आप लोग तो कभी हिसाब किताब देखने दफ्तर आते नहीं, मेरी मानो तो एक बार आप लोग दफ्तर आकर सारा हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती घर पहुँचकर अपनी सास को सारी बात बताती है, तभी वहाँ रमेश भी आ जाता है। लेकिन मालती की सास मालती की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी रमेश कहता है, अरे माँ, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता, जब मालती इतना कह रही है तो हमें एक बार दफ्तर चलकर देख लेना चाहिए, वैसे भी हम लोग काफी दिन से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। इस तरह किसी एक आदमी के भरोसे काम छोड़ना मुझे भी ठीक नहीं लगता।
अगले दिन वे सभी अपने दफ्तर पहुंचते हैं और सीधे दिवाकर के कैबिन में जाते हैं। अचानक सबको एक साथ देखकर दिवाकर चौंक जाता है। अरे माँ जी, आप सब लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? अगर कुछ काम था तो मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं आपके घर आ जाता। तभी मालती की सास कहती है, अरे दिवाकर बेटा, आज मैं हिसाब देखने दफ्तर आई हूँ, जरा मुझे पिछले 6 महीनों का हिसाब दिखाना तो बेटा। दिवाकर घबराते हुए हिसाब की फाइल मालती की सास को देता है। मालती की सास फाइल लेकर मालती को देती है और कहती है, ले बहू, देख ले हिसाब। मालती फाइल को बड़े गौर से देखती है और अगले ही पल उसे सारी गड़बड़ी समझ में आ जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुनीम चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे। हमारी कंपनी में पिछले 6 महीनों में जितना मुनाफा हुआ है, हमें उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपये में सिर्फ 54 ही हमारे हाथों में आई है। मालती की बातें सुनकर मालती की सास गुस्से से दिवाकर को पूछती है, क्यों दिवाकर, मेरी बहू जो कह रही है वो सच है? दिवाकर समझ जाता है आज उसका भांडा फूट चुका है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अरे वाह दिवाकर, तू तो एक नंबर का चोर निकला। इतने दिनों से मैं तुझ पर आँख बंद करके भरोसा करती रही और तू मुझे ही चूना लगाता रहा। अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दिवाकर वहाँ से भाग जाता है। मालती की सास मालती को शाबाशी देते हुए कहती है, बहू, आज मैं समझ गई कि पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल सही जगह करके हम दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं।